हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बाइट्स एंड दिस इज मी अंजू सचदेवा। आज मैं आप सबको सभी की फेवरेट चीज सिखाने वाली हूँ, हमारी बच्चों की। हम जब हमारा नाम सुनते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। एग्जैक्टली, आप सही सोच रहे हैं। इसे कहते हैं चिली गार्लिक नूडल्स। नूडल्स हम सभी की बहुत फेवरेट चीज है। हमारा जब नाम सुनते हैं हमारा तभी मन करता है हम सिखाते हैं। चलिए आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। उसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इससे पहले प्लीज लाइक शेयर कमेंट माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने पैन लिया है। पैन में राउंड अबाउट 2-3 टेबलस्पून में ऑयल डाल दूंगी। उसी के साथ मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, क्योंकि हम चिली गार्लिक नूडल्स बना रहे हैं तो इसमें चॉप गार्लिक डालेंगे हैं 1 टेबलस्पून। इसी के साथ मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर, ग्रीन चिलीज बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है, और रेड चिली, ड्राई रेड चिली, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। इसी के साथ मैं डाल दूंगी अनियन, स्लाइस्ड अनियंस, स्लाइस बीन्स, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैबेज, घर में कोई भी आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह में सॉटे करने फॉर राउंड अबाउट 5-6 मिनट्स। अब इसको हम 5-6 मिनट के लिए तेज आंच पे सॉटे करेंगे। इसी के साथ मैं डाल दूंगी बॉयल्ड नूडल्स जो हमने बॉयल करके रखे थे। उसके साथ मैं डाल दूंगी 1 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार जैसे भी आपको सही लगता है। व्हाइट पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून, व्हाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून, अगर रेड चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। विनेगर 1 टेबलस्पून। अब इसको हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप नूडल्स बॉयल करें तो उसको ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लेना है और छन्नी में रख दीजिए। जब छन्नी में सारा पानी निकल जाए तो उसको उसके ऊपर ऑयल कोट कर दीजिए, अच्छी तरह उसको ऑयल से मिक्स कर दीजिए ताकि वो चिपके नहीं आपस में और एकदम फ्रेश रहते हैं। उसके बाद देखिए मैं इसको अच्छी तरह टॉस कर रही हूँ। आँच को हमें तेज ही रखना है, स्लो नहीं रखना है, क्योंकि हम चाइनीज फूड बना रहे हैं। चाइनीज फूड में हमेशा आँच को तेज ही रखा जाता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करा हमने और ये बन के बिल्कुल तैयार है। चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल सी व्हाइट एक प्लेट ली है। इसके ऊपर मैं नूडल्स राउंड करके डालेंगे, ये देखिए इस तरह। अभी घर पे बनाइएगा, सबको खिलाइएगा, खाने बहुत स्वाद बनते हैं। प्लीज लाइक शेयर कमेंट टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, एंजॉय।